स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazfit GTR, जो कि एक स्मार्ट वॉच है और बजट सेगमेंट में आती है। कंप्लीट डिटेल और उसके लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के बारे में, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख पाएंगे बिल्ड क्वालिटी में कितना इम्पैक्ट आया है 4 महीने इसको यूज़ करने के बाद। तो स्क्रैचेस वगैरह मुझे तो इम्पैक्ट कहीं नहीं लगे, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह पे अच्छी प्रोटेक्शन दी हुई है, एमोलेड स्क्रीन है, अच्छी विजिबिलिटी है, डे एंड नाइट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो पॉइंट बाई पॉइंट पहले प्रोज की बात कर लेते हैं, अच्छी चीज़ें इसकी क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं। और मीनवाइल आप पूरे वीडियो में ये देख पाएंगे कि स्क्रैचेस जो हैं पूरे जो वॉच पे हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे, जो प्रेजेंट कंडीशन है 4 महीने के बाद वो कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी चीज़ों के साथ। तो अगर अच्छी चीज़ों की बात करूँ मैं, सबसे पहले तो बैटरी आती है इसकी। बैटरी 7 से 8 दिन आराम से चल जाती है, मतलब एक हफ्ता अच्छी चीज़ है जो निकाल जाती है, क्योंकि स्मार्ट वॉच के लिए एक वीक काफ़ी होता है। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि डिस्प्ले इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाती है, और स्क्रीन जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप जो वॉच फेस है उसमें अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी भतीजी की लगाई हुई है। तो आप फोटो दो इसमें लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, बट अच्छे काम की चीज़ है। और ये रिसेंट एक मार्च में ये अपडेट मेरे को मिला है। इनबिल्ट GPS है और ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। फोर्थ अगर मैं बात करता हूँ, आपको एक कस्टम बटन मिल जाता है, जैसे कि नीचे वाला बटन है जिसको आप देख पा रहे हो। इस बटन की हेल्प से आप अपने जो कुछ प्रोग्राम्स हैं इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो, या डेडिकेटेड एक यूज़ में बटन ला सकते हो। पांचवीं और जो एक आखिरी मेरे को अच्छी चीज़ लगी, लाइट वेट है। डे एंड नाइट अगर आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इवन मैंने स्लीप ट्रैकिंग भी मैं इसी से करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसकी जो ग्रिप है हाथ पे वो काफ़ी अच्छी है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि बैंड के अलावा आपने स्मार्ट वॉच पहनी हो जो काफ़ी हैवी लगती हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसकी बुरी चीज़ों के बारे में। पहली और सबसे बुरी चीज़, 10-11 हज़ार रुपये देने के बाद भी ना आपको आप इसे कॉल अटेंड करने वाले या फिर नोटिफिकेशन रिप्लाई करने वाली चीज़ें नहीं देख पाओगे, जो एक बेसिक पेबल वॉच में भी होती थी, जो कि काफ़ी सस्ती मिली। और वो कंपनी चलो बंद हो गई है उसकी बात नहीं करते, लेकिन इतना एटलीस्ट कंपनी को देना चाहिए था कि छोटे मोटे कस्टम ना करके प्री डिफाइंड कुछ टेक्स्ट ऑप्शन दे देता रिप्लाई करने के। दूसरी बुरी चीज़ इसमें कि अगर नोटिफिकेशन मोर देन वन आ गया, मान के चलो मल्टीपल व्हाट्सएप आते हैं, तो भैया पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको। तीसरी बुरी चीज़ इसकी कि जो कस्टम वॉच फेस या स्क्रीन्स जो आप यूज़ करते हो ना, वो बड़ी बकवास लगती है, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट ले लेता है। और मैंने ट्वीट भी किया है, कंप्लेंट भी की थी, लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखी। दो ऐसा बोला गया कि जल्दी इंप्रूवमेंट दिखी, बट अब तक भैया कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है। 30 से 40 मिनट लग जाते हैं वॉच फेस को चेंज करने में, जो क्योंकि वो डाउनलोड होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर स्क्रीन पे वॉच फेसेस आपको सिर्फ 3 ही मिलेंगे, मतलब जो आपने रिसेंट यूज़ किए होंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे स्क्रीन वॉच फेसेस या इवन विदाउट ऐप से कनेक्ट करे हुए नहीं देख पाएंगे। चौथी एक बुरी चीज़ जो यही है कि हैंडी और वॉच फेसेस को बनाया जा सकता था, जो हम ऐप में यूज़ कर रहे हैं विदाउट कनेक्ट किए, वॉच फेसेस को चेंज करने का ऑप्शन इनको देना चाहिए था। पाँचवीं और आखिरी चीज़ स्टेटोस की अगर मैं बात करता हूँ Amazfit की, या दूसरे स्टेटोस के अलावा जो Amazfit पेस थी उसके कंपेरेटिव में, जिसके प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो फील होते हैं और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको लिमिटेड रह जाते हैं। और इम्प्रूवमेंट भी मैंने पिछले 4 महीने में कुछ खास नहीं देखा है, माइनर अपडेट्स मेरे को मिली है, लेकिन इससे ज़्यादा UI में या फिर जो फंक्शनैलिटी है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको लगता है इसके अलावा आपको कुछ और स्पेसिफिक चीज़ किसी के बारे में जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ऊपर वाले बटन में जो रेड कलर का एक रबड़ देख रहे हैं ना, उसके अलावा नीचे की साइड जो एक ब्लू कलर का भी रबड़ था वो निकल के इसका गिर चुका है। वो चलो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। बाकी चार्जर जो है अभी भी इंटैक्ट है, और एक अच्छी चीज़ है, मतलब जो क्वालिटी है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छी बनाई। शायद मेरे को उसको प्रोज में ऐड करना चाहिए था, तो वो मतलब प्रो और कॉन्स मिक्स था रिव्यूज़ से, मतलब वायर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी और बुरी भी नहीं लगी, बट ठीक ठाक था। तो इसको मैंने आखिरी में रख लिया था कि आप इसको देख सको और इसकी क्वालिटी को भी आप महसूस कर पाओ। अभी आप इसकी जो ग्रिप है उसको भी देख पाओगे, बट हाँ अंधेरे वगैरह में भी आप इसको ईजिली चार्जिंग डॉक पर रख पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपके काम की चीज़। अगर मैं बॉटम लाइन्स की बात करूँ, तो ये MI Band 4 जो है प्लस GPS प्लस एमोलेड स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, वही कुछ मिला के मेरे लिए स्मार्ट वॉच है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।